4 साल के मासूम विवान की हत्या। जिले के मंडेला थाना क्षेत्र के गांव बुडानिया में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक 4 साल के मासूम विवान की हत्या कर दी गई। हत्या भी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी मां ही निकली। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के आपसी झगड़े का शिकार मासूम विवान बन गया। झगड़े के चलते ही विवान की मां ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने महज 6 घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि चिड़ावर्ता अधिकारी रघुवीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि कृष्ण कुमार पुत्र पन्नाराम जाति स्वामी निवासी बुडानिया ने रिपोर्ट दी कि उसके छोटे भाई विद्याधर की पत्नी सुनीता के कोई अज्ञात व्यक्ति मुंह दबाकर गला दबाकर धारदार चीज से हाथ की नस काट दी। गले पर भी खरोच नुमा निशान है। विद्याधर का पुत्र विवान पानी की टंकी में पड़ा हुआ मिला है। पुलिस ने सभी तथ्यों की हकीकत जानी तो सामने आया कि पति विद्याधर व सुनीता के बीच आपसी कहासुनी के चलते सुनीता ने ही अपने बेटे का मर्डर किया है। हालांकि रिपोर्ट में इस मामले को कुछ अलग ही रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस जांच में सब कुछ सामने आ गया। बता दें कि महानिर्देशक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर एवं पुलिस अधीक्षक झुंझुनू तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रताप मलकेड़िया के सुपरविजन में इस मामले का खुलासा महज 6 घंटे में ही कर दिया गया। इस पूरे मामले में चिड़ावा डिप्टी रघुवीर प्रसाद शर्मा, पिलानी थाना अधिकारी मदन लाल कड़वाशरा एवं मंडेला थाना अधिकारी राकेश कुमार आदि का भी अहम सहयोग रहा। इससे पहले घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा मौका मुआयना भी किया। वहीं मौके पर FSL की टीम व डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची। इस पूरे मामले के खुलासे में डॉग जस की अहम भूमिका बताई जा रही है। आज मंडेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव बुडानिया में सुबह सूचना मिली थी कि किसी कोई स्वामी परिवार के अंदर विद्याधर की जो है उसका बच्चे की कुंड में गिरने से मृत्यु हुई। और सूचना के उपरांत पुलिस द्वारा पहुंचने पर SHO MNCO द्वारा पहुंचने पर पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात को सुनीता देवी का मुंह दबा करके बच्चे को उठा ले गए और उस पर सुनीता देवी पे भी जानलेवा हमला किया और बच्चे को कहीं बाहर ले जाके, लेकिन सुबह तलाश करने पर बच्चा कुंड में मिला जो मृत था। जो घटना की जो स्थितियां थी और जो घर में जो उपस्थित लोग थे उनके आपसी में उनके बयान, उसके अलावा हमारे यहाँ डॉग स्क्वाड FSL टीम और जो सर्किल के जो SHO थे उनकी बनाई गई टीम द्वारा लगातार इंटरोगेट किया गया। सुनीता देवी से पूछताछ की गई, उसके पति से पूछताछ की गई और उसके उपरांत लगातार पूछताछ से और अलग अलग विरोधाभासी बातों को दरकिनार करते हुए लगातार इस जांच पे पहुँचे कि सुनीता देवी ने ही अपने बच्चे जिसका नाम विवान है उसको कुंड में डालकर उसकी हत्या कर दी। सर कोई रीजन कोई कारण सामने आया? जो प्रारंभिक जो पूछताछ है उसमें जो कारण है वो पत्नी सुनीता द्वारा अपने पति के द्वारा उसको लगातार हर बात पे टॉर्चर करना, उलाहने देना और या फिर उसके किसी चरित्र पे कई बार टिप्पणी कर देना और इस टाइप की बातों से परेशान रहना और उसे घर में महत्व नहीं देना और हर बिगड़ी हुई बात के लिए उसे ही वजह ठहराना, इन सब बातों के कारण से उसने ऐसा करना और अपने बच्चे के साथ स्वयं को आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने का किया।